दौसा जिले में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे और शीत लहर ने लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित किया है। जिले भर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं देर रात कोहरा ज्यादा होने से जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को भी काफी परेशानी हुई। वहीं मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट और बारिश होने की स्थिति में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मलखान मीना सीधा दौसा से लाइव जुड़ गए हैं। मलखान, जीरो विजिबिलिटी देखी गई है कोहरे के कारण, लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को खास करके रेंग रेंग कर गाड़ी चलानी पड़ रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम बना रह सकता है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। देखिए बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरह से मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम इस वक्त पूरी तरह से परिवर्तन है। मौसम पूरी तरह से कोहरा और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरी राजस्थान की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर सुबह आज लगातार कोहरा देखा गया था, लगभग 9 बजे तक कोहरे की परत छाई हुई थी, तो ऐसे में यहां पर कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ, तो आम जन, किसान हो चाहे जीव जंतु हो, तमाम जो हैं वो सब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए बात की जाए कि पूरी राजस्थान की, तो मैं आपको एक दिन पीछे ले जाना चाहूंगा, क्योंकि एक दिन पीछे यहाँ पर कुछ हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। हालांकि कि कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है, लेकिन नॉर्मल बारिश हुई है। इस वजह से यहां पर जो किसानों की कुछ फसल को तो फायदा हुआ है, कुछ को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में मौसम पूरी तरह से ठंडा है, शीतलहर का प्रकोप जारी है, कोहरा यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं एक किसान के सरसों के खेत में हूँ, जहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ जो अब जो कोहरा पड़ रहा है और जो शीतलहर चल रही है, उससे किसान की फसल को काफी नुकसान है। हालांकि देखिये सरसों की फसल को नुकसान है, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार सरसों दिखाए कि जिस तरह से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप हुआ है, इससे पूरी तरह से किसान की जो सरसों की फसल है उसमें काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अब जो फसल है सरसों की, वो लगभग फूलों पर आ चुकी है, तो इस वक्त जो फूलों पर सरसों आती है, अगर वहां कोहरा पड़ता है, सर्दी का प्रकोप तेज होता है, तो किसान की जो फसल है सरसों की उसको नुकसान होगा। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा, गेहूं की फसल है वो एक बार दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं जिस तरह से जो बारिश हुई है, जो हल्का हल्की बूंदाबांदी हुई है और कोहरा और शीतलहर का जो प्रकोप देखा जा रहा है, उससे आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान है। अभी ये गेहूं की फसल है, बिल्कुल बड़ी नहीं हुई है, उससे पहले इसमें बाल निकल कर आ गई हैं, तो इससे साफ साबित हो रहा है कि किसान की फसल को काफी नुकसान है। तो ऐसे में जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप अगर लगातार जारी रहा, लगातार बढ़ता रहा, तो आने वाले दिनों में किसान की फसल काफी कुछ नुकसानदायक रहेगा। हालांकि किसान देख इंतजार करता है कि एक अच्छी फसल पैदा हो, लेकिन इस बार जो शीतलहर का प्रकोप है वो तेज देखने को मिल रहा है, और इस तेज सर्दी और शीतलहर कोहरे की वजह से किसान की ये जो सरसों की फसल है ये भी चौपट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए आप देख सकें कि जहां फल लगने की समय था अभी, और इस वक्त अगर ठंड का असर देखा जा रहा है, कोहरा अगर तेज पड़ता है और शीतलहर अगर चलता है, तो ऐसे में किसान की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी, तो वो नजर यहाँ आ रही है। हालांकि देखिए कल कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इसी बात को लेकर कहा कि अगर जहां पर भी किसान की फसल चौपट हो रही है, किसान को फसल को कोहरा या शीतलहर से नुकसान हो रहा है, तो हम कोई एक सर्वे कराएंगे, उसके बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। तो ये जो अभी नव निर्वाचित हुए हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कल जिक्र भी किया था, तो वही हालात पूरी राजस्थान की नजर आ रही है। हालांकि देखिए पूरी राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत है, तो पानी की किल्लत होने के बावजूद भी अगर यहाँ की किसानों को नुकसान इस तरह होता है, तो कहीं ना कहीं किसान के लिए मुसीबत भी है। और अभी जो शीतलहर, कोहरा और ठंड का जो असर देखा जा रहा है, वो पूरी तरह से किसान के लिए नुकसानदायक है।